हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल नवरस में। आज मैं बताने वाली हूँ DIY फेस वॉश, लेकिन वो 3-in-1 है। वो एक फेस वॉश भी है, एक फेस स्क्रब भी है और ये फेस मास्क भी है। तो आप इसका यूज करके आप इन तीनों का मतलब एक ही में आप इन तीनों का फायदा उठा सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि ये क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है, और मैं इसे आपको करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हम निकालेंगे बेसन। आप लोग तो जानते होंगे बेसन कितना मतलब पुराना और अच्छा नुस्खा है चेहरे के लिए। एक तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए बना रही हूँ, ठीक है? तो मैं एक चम्मच से थोड़ा कम ही ले रही हूँ बेसन। उसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मिलाने पे ना कलर छोड़ देता है येलो येलो फेस पे, ठीक है? तो थोड़ी सी मिलाएंगे हल्दी। ये एक एंटीबायोटिक का काम भी करता है हल्दी, और उसको थोड़ा सा स्क्रब वाला इफेक्ट डालने के लिए हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। तो हमने डाल दिया चावल का आटा, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे नींबू। बहुत लोग को नींबू पसंद नहीं होता, तो जिन्हें पसंद नहीं है वो ना डालें। और नींबू से होता है ना कि आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन है उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है। तो ये मैंने पूरा हाफ नींबू इसमें निचोड़ दिया है, और पहले इसे ऐसे ही मिला लेंगे। अगर लगेगा कि ये नहीं मिल पाएगा उतने में, तो आप इसमें चाहे तो रोज वाटर या नॉर्मल वाटर भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं नॉर्मल वाटर ही मिक्स कर रही हूँ। जितना में मेरा ये पेस्ट रेडी हो जाए, इसको अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है? और काफी थिक भी नहीं रखेंगे, काफी थिन भी नहीं करेंगे। नॉर्मल रहेगा जितना में आप अपने फेस पे इसे अच्छे से लगा सकते, ठीक है? तो देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से इसे मिला दिया है, और इसे हम अपनी फेस पे लगाएंगे। तो एज आ ये फेस वॉश हम यूज कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ पहले पानी से फेस को बस धोकर पोंछ लिया है। तो अब मैं इसे लगाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी लगाने के बाद इसका कैसा इफेक्ट आएगा वो भी मैं दिखाऊंगी। तो मैं आपके सामने लगा रही हूँ, ठीक है? और इसे लगाने के बाद हम 10-15 मिनट्स रखेंगे अपने फेस पर और थोड़ा ड्राई होने देंगे। और जब ये सूख जाएगा इसे अपने नेक पे भी जरूर लगाएं, ठीक है? इसमें चावल का आटा डाला गया है, वो बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है, जिससे आपके फेस पे जो भी डेड सेल्स या फिर डस्ट या व्हाइट हेड्स वगैरह हो गए हैं उसको बाहर निकालने में काफी हेल्प करता है। इसको अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेंगे, सिर्फ आंखों के नीचे नहीं लगाएंगे, ठीक है? सिर्फ आंखों के नीचे नहीं लगाएंगे, बाकी पूरे फेस पे लगाएंगे। ये देखिए, मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया, और नेक एरिया बिल्कुल ना भूलें, नेक एरिया पे भी जरूर लगाएं। और इसे लगाने के बाद आप 10-15 मिनट इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो स्क्रब करते हुए मतलब थोड़ा सा मसाज करते हुए अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धो लें। धोने के बाद इसका इफेक्ट देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और एक दिन में ही आपको काफी अच्छा और स्मूथ लगेगा आपका अपना स्किन, और काफी अच्छा फील होगा।
तो इसे आप कंटिन्यू कम से कम वीक में 2-3 दिन जरूर यूज करें। अगर एज अ फेस वॉश सिर्फ यूज करना चाहते हैं तो चावल का आटा सिर्फ स्किप कर दें, बाकी आप मिक्स करके इसे डेली यूज कर सकते हैं और वीक में 2 दिन चावल का आटा मिक्स करके एज अ स्क्रबर आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव और अच्छा है आपके स्किन के लिए। तो अब इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद ड्राई होने के बाद हम इसे धो लेंगे। ये देखिए सारा सूख गया है। अब इसे हम अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रब करते हुए, इस तरह से मसाज करते हुए पूरे फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे। अब मैं बस तुरंत आई धोकर, ठीक है, तो उसके बाद दिखाती हूँ कि इसका कैसा इफेक्ट है। ये देखिए मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया बिल्कुल ठंडे पानी से, तो ये कितना अच्छा मतलब दिख रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है, काफी सॉफ्ट लग रहा है, स्किन काफी सॉफ्ट लग रहा है। और इसे लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि फेस वॉश की कोई जरूरत है। तो आप इसे एज अ फेस वॉश, एज अ फेस मास्क और फेस स्क्रब यूज कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर एज अ फेस वॉश यूज करते हैं तो बस उसमें से आप चावल का आटा निकाल दें, बाकी आप रेगुलर बेसिस पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा इफेक्ट आया है, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा यूज करके, काफी अच्छा फील हो रहा है। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।